राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की प्राचीनता का पता लगाना तो मुश्किल है, किंतु यह माना जाता है कि महाभारत काल में महाबली भीम ने अमृतत्व के रहस्यों को समझने के लिए इस स्थान का दौरा किया था, एक पंडित को अपना गुरु बनाया, किंतु समस्त प्रक्रिया को पूरी करने से पहले अधीन होकर वे अपना लक्ष्य पा नहीं सके और प्रचंड गुस्से में आकर उन्होंने अपना पाँव जोर से जमीन पर मारा, जिससे वहाँ का जो स्रोत फूट गया उससे, और उसको भीम ताल कहा जाता है। बाद में यह स्थान मौर्य और मौर वंश के अधीन आ गया। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की राय हैं कि ये पहले शासन आया, ये शासन पहले आया, लेकिन कौन पहले आया वो इतिहास के संदर्भ को देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको केवल भारत में स्थित चित्रार्थ की राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ शहर के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मैं इतना इतिहास में नहीं घुसूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से बता देता हूँ कि यह मेवाड़ शासकों के अधीन कब आया और ये राजधानी उदयपुर कब ले गए, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। यह माना जाता है कि गुहिल बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में अंतिम सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर चित्तौड़गढ़ को दहेज के एक भाग के रूप में प्राप्त किया था। बाद में उनके वंशजों ने मेवाड़ पर शासन किया और 16वीं शताब्दी तक गुजरात से अजमेर फैल चुका था। चित्तौड़गढ़ वह वीर भूमि है जिसने समूचे भारत के सम्मुख शौर्य, देशभक्ति एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ के असंख्य राजपूत वीरों ने अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए अधितरारूपी यानी कि अपने शरीर को त्याग कर दिया। यहाँ के असंख्य राजपूत वीरों ने अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को संपूर्ण न्योछावर कर दिया। वहीं राजपूत वीरांगनाओं ने कई अवसर पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने बाल बच्चों सहित जौहर की अग्नि में प्रवेश कर अपने आदर्श को बनाए रखा। इन स्वाभिमानी देश प्रेमी योद्धाओं से भरी पड़ी यह भूमि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रह गई है। यहाँ का कणकण हमें देश प्रेम की लहर पैदा करता है और यह जानकारी देता है कि हमें हमेशा एक रहकर रहना चाहिए और अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाना चाहिए। तो यह है चित्तौड़गढ़ मेवाड़ शहर की कहानी।